नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास समय कम है, और चूंकि आज सोमवार है, दिन अच्छा है, और आज मैं एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फिर एक मिनट की बात है वो, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वो ये है कि दरअसल अभी कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, एक डेटा मैं आपको देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। इस बात को सुन लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है? भले ही बाद में स्पीड में थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा आप लोग जो है फोकस कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं आपसे कि कुछ टाइम के लिए, क्या कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए सोचना है, स्वयं के लिए सोचना है, स्वयं के लिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दो एग्जाम अभी लगा हुआ है। किस कौन सा एग्जाम लगा हुआ है? एक लगा है आपका किसका, आरओ का, मतलब आरओ एआरओ का, और एक लगा है पीसीएस का, ठीक, पीसीएस का। आरओ में जो प्री का एग्जाम है वो कब है, वो है आपका दिसंबर में, और इसका मेंस जो एक्सपेक्टेड है, अभी इसकी डेट तो आई नहीं है, बट एक्सपेक्टेड डेट कितनी है इसकी आरओ मेंस की, वो हो जाएगी आपकी लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग फरवरी के बाद, मतलब लगभग लगभग मार्च या अप्रैल में, मान के चलो, ठीक है, मार्च टू अप्रैल, यानी मेंस कब होगा आपका, मार्च से लेकर के अप्रैल के मिड में, ठीक। बात जरा ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पीसीएस की, किसकी, पीसीएस की, ठीक है, ये पीसीएस हो गया आपका, ठीक। पीसीएस में जो आपका प्री है वो कब है, वो है आपका अक्टूबर माह में, और जो मेंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अभी डेट तो आई नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग, वो आपका मेंस लगभग लगभग जैन लास्ट, ठीक, यानी कि जनवरी लास्ट से लेकर के फरवरी के बीच में जो है मिड तक हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक खेल बहुत बड़ा, अगर आपका फोकस दोनों ही एग्जाम पर है, यानी कि आपको अभी जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है, खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया एक तरीके से, मैं अगस्त मान के चला हूं, यानी कि अगस्त से लेकर के और आपको लगभग लगभग फरवरी तक की मेहनत करनी है, ठीक, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तीन तीन छह एक सात महीने, सात महीने आपके जीवन के हैं खास, सेवन मंथ्स। इस सेवन मंथ्स में अगर आप स्वयं खुद के लिए सोचोगे, कुछ समय के लिए खुद गर्ज हो जाइए, किसके लिए, अपने आप के लिए, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, ये सात महीने, अगर खाली अगर आप जो है क्या कहते हैं पीसेस पर फोकस होंगे तो भी छह महीने ही बचे ओवरऑल, ठीक है, इसको आप इसमें प्लस वन कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में होगा जो है क्या कहते हैं आपका आरओ का मेंस लगभग लगभग, ठीक है, आठ महीने प्लस वन एट मंथ्स लगभग लगभग, ये एट मंथ्स आपके आपके जीवन के सबसे अहम है। इस आठ महीने को अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च किया, बजाय इसके कि किसी के साथ घूमने जा रहे हो, किसी के साथ मटरगस्ती कर रहे हो, किसी के साथ एमी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये करोगे तो ये आठ महीने एमी चले जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये आठ महीने अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आज अगर आठ महीने आप अपने बारे में सोचोगे तो आठ महीने के बाद दुनिया आपके बारे में सोचेगी। ध्यान रखना मेरे इस पॉइंट का, क्योंकि सफलता ही जो है सभी पसंद करते हैं, यदि सफल नहीं होंगे तो कोई आपको लाइक नहीं करेगा, आपका अपना भी बहुत खास, जिसके साथ आप लोग सुबह शाम सात जन्म निभाने का वादा करते होंगे, वो व्यक्ति भी नहीं साथ देगा, ध्यान कर लेना, और यूं झटके में निकल के चला जाएगा आपके सामने से, आपको आभास नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। इसलिए मैंने कहा आपकी अपनी सफलता आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बात को मैं समझा रहा हूं कि इस महज सात से आठ महीने आपके जीवन के हैं, इस आठ सात से आठ महीनों को अगर आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया, दुनिया आपको सलाम करेगी, ठीक है, दुनिया आपके कदमों में रहेगी, और अगर आपने समय को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो फिर दिक्कत आएगी। आरओ की वैकेंसी कब आएगी दोबारा से किसी को नहीं पता है, दो तीन साल लग ही जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे सरकार, बहुत अच्छा प्रयास करेगी तो तभी डेढ़ दो साल लग ही जाएगा, ज्वाइनिंग होते होते लगभग लगभग ढाई से तीन साल हो जाएगा। पीसीएस में इस बार पोस्टें ठीक ठाक हो रही है, 800 प्लस पोस्टें हो रही हैं, 800 प्लस पोस्टें हो रही हैं, ये मौका पीसीएस में भी नहीं आएगा दोबारा से। पीसीएस में पोस्टें आजकल कितनी आ रही हैं, 200 225 300, एग्जीक्यूटिव पोस्टें तो बहुत कम रहती हैं, बताओ
अगर सपना एसडीएम बनने का है तो बहुत बहुत समस्या है। फिर इस बार पोस्ट भी 800 समथिंग है, ठीक है, 800 प्लस की बात की जा रही है, लेकिन मैं 750-800 मान के चल रहा हूं ओवरऑल मोटा मोटा, ठीक है। तो अगर ये समय अगर आप इन चीजों, अच्छा सबसे बड़ी बात आरओ में पोस्ट बहुत है, ठीक है, 400 प्लस आपकी पोस्टें हैं आरओ आरओ में भी। अब आप सोचो कि अगर ये मौका अगर आप चूक जाओगे तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय की नजाकत को समझते हुए अपने ऊपर स्वार्थी बन जाओ। शब्द इस्तेमाल करने क्या किया, स्वार्थी हो जाना। आपको क्या हो जाना है, आपको स्वार्थी हो जाना है, ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला, स्वार्थी अपने आप को। और एक बात और ध्यान रखो, आपका धर्म क्या है, अभी आपका धर्म है स्वयं के लिए सोचना, अभी बस स्वयं के लिए, आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान रख लेना। सामने वाला जबरदस्त मेहनत कर रहा होता है और आप जो है बेवकूफ बनते हुए चले जाते हो, फिर सामने वाला सक्सेस हो जाएगा, फिर आप ऊपर आसमान की तरफ आंख करके देखोगे, अरे यार क्या हो गया, सामने वाला तो हो गया सक्सेस, सामने वाला चालाक है, आप बेवकूफ हो, ठीक है। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, अपने पर फोकस करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 7 से 8 महीने आपके जीवन के हैं, ये 7 से 8 महीने आपके आगे जीवन के लगभग लगभग 62 से 65 साल आपके जो है आपके जिंदगी के तय करेंगे। यही 7 से 8 महीने, ये 7 से 8 महीने आप तैयारी कर लोगे तो 62 साल तक की उम्र की जो है एज तक क्या है कहते हैं आपकी जॉब होती है, आप उस उम्र तक धूमधाम से खाओगे पियोगे बढ़िया से रहोगे, ठीक। और अगर यही 7 से 8 महीने आपने वेस्ट कर दिया तो फिर ये जो आपके आने वाले जो है लगभग लगभग आपके कितना मान लिया 30-40 साल हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि फिर सफलता कम मिलेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए मेरे साथ लगातार तैयारी करिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कहीं कोई समस्या आपको आती है, मैं सभी की कमेंट्स लगभग लगभग देखता हूं, कभी कोई छूट जाता है कमेंट अलग बात है, लेकिन मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूं और फिर मैं यहां पर समझा भी देता हूं। अभी 2 दिन पहले आया था मैसेज की, सर बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, तो फील मत करिए डिमोटिवेट, अपने पर फोकस करिए, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। खैर बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाएगा। टॉपिक पर हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ ये है कि अगर कोई बिगिनिंग भी अभी कर रहा होगा तो भी चाहे तो वह कर सकता है, बस उसको दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी आरओ के लिए, फुल्ली फोकस हो जाएगा। पीसेस तो थोड़ा जो है नहीं हो पाएगा पीसेस, क्योंकि पीसेस में मेंस की तैयारी करनी होती है, लेकिन हाँ जिन्होंने पहले से तैयारी की होगी पीसेस मेंस की उनका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर ये कुछ बातें हो गई जो हमने आपको बतानी थी, क्योंकि मेरा ध्येय यही है कि आपका चयन सुनिश्चित हो, ठीक है। मैं ये नहीं है कि आप मेरे व्यूज बढ़े वीडियो के, मेरा अंतिम ध्येय यह है कि आपका सिलेक्शन हो, ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। खैर आते हैं टॉपिक पर। अब तो आज बेसिकली क्या है, दिन अच्छा है, प्रण ले लीजिए आज से, जो है सावन का बढ़िया सा सुंदर सा महीना भी चल रहा है, ठीक है, ईश्वरीय जो है महीना है, एक तरीके से भगवान शंकर का है, त्याग समर्पण के जो है वो देवता है और उनको साक्षी मानते हुए आप लोग अपने को लगा दीजिए पढ़ाई पर, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। खैर आते हैं अब हम लोग आशिक करंट अफेयर्स पर, उसके पहले हम लोग लास्ट डे का रिविजन करते हैं फटाफट, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ करंट अफेयर्स 29 जो है जुलाई के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फटाफट आप लोग बताइए, क्रिस्टियन मिशेल बने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पारित बजट 2024-25 के अंतर्गत मुद्रा योजना में जो ऋण की जो राशि थी यानी कि उसकी सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है, तो 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि 10 लाख और बढ़ा दिया गया है, पहले कितना था 10 लाख था, 10 लाख की सीमा को 10 और ऐड करके 20 कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में पारित बजट कुल कितने समूहों पर आधारित था, 4 समूहों पर आधारित था और 4 विषयों पर भी आधारित था, कल हमने आपको ये अलग अलग चीजें बताई थी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया, तो एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हाल ही में आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन का दरअसल निधन हो गया है, आपको बताना है कि उनका निधन कब हुआ है, तो 25 जुलाई को, यानी कि 25 जुलाई को उनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो यह रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, और एक नाम और चेंज किया गया है, कौन सा नाम है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से दूसरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्विस्ट 2024 का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो ये 27 जुलाई से 9 अगस्त तक उलन बटार में हो रहा है, मैंने कल इसको डिटेल्स में बताया था आपको। इसके अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को कब लॉन्च किया गया था, 2023 में G20 समिट के दौरान इसको किया गया था, आपको ध्यान होगा, इसको भी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था। चलिए नेक्स्ट है, अब कल हमने आपसे सिंपल सा सुंदर सा क्या पूछा था,
प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ये प्रश्न था। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये मौलिक शब्द है, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार नहीं होता है। कहां जहां कहीं भी मूल अधिकार लिखा रहे वो समझ लीजिए कि मूल नहीं है। मूल शब्द, मूल जो शब्द है वो संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है, मौलिक अधिकार ही हर जगह पर, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यानी कि कभी कभी आप मेंस की कॉपी लिख रहे होंगे तो मूल शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मौलिक अधिकार का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि मौलिक शब्द का इस्तेमाल आपको करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। खैर आगे, तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन दरअसल पार्लियामेंट कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये खास बंद है। हालांकि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी ऐसी बात कही जाती है कि जो उसके मूल उद्देश्यों से जो भटके ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई, फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई, यानी कि 24 जुलाई को क्या होता है, राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, पॉइंट जो ऑप्शन में था, और कब से मनाया जा रहा है, यानी कि कब से, तो इसको तुरंत लिखिए कब से, ये 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक। तो आपसे कूट के फॉर्म में ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि दरअसल ये कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय आयकर दिवस, तो आप तुरंत बताएंगे वर्ष 2010 से। दूसरा, 24, अब डेट 24 जुलाई ही क्यों है, क्यों, क्योंकि 24 जुलाई 1860 अर्थात 1860 को सर जेम्स वेल्सन ने भारत में पहली बार आयकर की शुरुआत की थी, और 1860 में जेम्स वेल्सन ने इसकी शुरुआत क्यों की थी, तो आपको याद होगा कि 1857 रेवोल्यूशन हुआ था, अर्थात 1857 की क्रांति हुई थी बहुत बृहद स्तर पर, और उसके बाद क्या हुआ था, निश्चित तौर पर जो है काफी ज्यादा पैसे की बर्बादी भी हुई थी, और उसकी भरपाई के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नुकसान हुआ एक बड़े स्तर पर, उसको जो है बराबर करने के लिए, जो है इक्वल करने के लिए, यानी उनका खर्चा निकल जाए जो नुकसान हुआ, उसी के परिपेक्ष में ही उन्होंने 24 जुलाई 1860 को क्या किया था, भारत में आयकर की शुरुआत की थी, ताकि वो चीजें जो उनके नुकसान हुई थी वो उनकी भरपाई हो जाए। वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि इसका मुख्य कारण 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा किया गया था। अब 1857 के रेवोल्यूशन की बात आई है, तो आपके सामने आज का मैं टास्क देता हूं पहला, ठीक है। पहला टास्क आपका क्या है, आज का पहला टास्क यह है कि आपको क्या रेडी करना है, टास्क वाली आपने कॉपी बना ली होगी, उसी में आपको करना है। टास्क पहला है आपका कि आपको 1857 का जो रेवोल्यूशन है, 1857 की जो क्रांति है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है इसको पढ़ना है। 1857 की क्रांति क्या थी, 1857 की क्रांति की विफलता के क्या कारण थे, इसने भारत पर कितना असर डाला, ये प्रश्न मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इसमें और कई सारे प्रश्न बनते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, अलग अलग जो प्लेसेस हैं, कानपुर से जो है, आपके बिहार से, फैजाबाद से, इलाहाबाद से, वहां पर किन किन लोगों ने जो है क्रांति की शुरुआत की, किस किस तारीख को शुरुआत की, ऐसे प्रश्न आपके 1857 के रेवोल्यूशन से अर्थात 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक क्या करना है, रेडी कर लेना है, ये टास्क आपका क्या है, पहला है, याद रख लीजिएगा, एनी हाउ इसको करना ही करना है भैया जी, लोग हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, टास्क वाली कॉपी नहीं बनाई है तो बना लेना, और टास्क में जो मैं आपको डेली देता हूं उसको कंप्लीट करते हुए चलना, यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा, बस भरोसा करके चलिएगा मेरे पर, ठीक। चलिए, तो ये टास्क पहला हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आयकर जो है वो क्या है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, सिंपल सी बात है, आपके इनकम पर लगेगा तो ये दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके लिए, याद रख लीजिएगा। और सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट
टैक्स एंड कस्टम, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? संजय अग्रवाल हैं। ये दोनों जो है पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तुरंत जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है। इसका मतलब है कि FAO ने अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और वैश्विक स्तर पर यह बताया है कि दरअसल जो है भारत किस स्थान पर है वन क्षेत्र में के वृद्धि के मामले में। तो आपको बताना है कौन से स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 4 या डी 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात यह वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रथम स्थान पर फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है आपका चीन, चीन ने जो भी बहुत वृद्धि की है। और सेकंड पे आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, कौन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और क्या कहते हैं फिर थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है आपका सुंदर सा प्यारा सा कौन, भारत, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर क्या किया है वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में। ये टॉप 10 की कंट्रीज हैं, थ्री टॉप 10 में थ्री, बाकी 7 कंट्रीज कौन सी हैं आगे हम लोग देखते हैं इसको आगे। चलिए तो FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में प्रथम स्थान पर कौन, चीन, दूसरे पर कौन, ऑस्ट्रेलिया, हमने आपको बता ही दिया। और बाकी जो टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, यानी कि तीन तो ये हो गई, सात जो बस्ती हैं वो कौन कौन सी हैं इसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपसे टॉप 10 में टॉप 5 में कोई पूछ ले या लास्ट के टॉप 10 के 3 पूछ ले। तो जिसमें टॉप 10 में कौन कौन से हैं, चिली है, वियतनाम है, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया। ये ऐसे टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने फॉरेस्ट एरिया में क्या किया है, बहुत ज्यादा वृद्धि की है। ध्यान रखिएगा ये अपने आप में भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, काफी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है पौधारोपण का। इसके अलावा देखिए वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक यानी 10 सालों में क्या हुआ है, प्रतिवर्ष कितना, 266,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल, अपने आप में एक बड़ा डेटा है और अच्छी बात है ये। इसके अलावा FAO संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक विशेष एजेंसी है, हो सकता है आपको FAO के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है कि ये विशेष क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसके अलावा जो भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का क्या करती है, नेतृत्व करती है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर गरीबी जो है कई कंट्रीज में ज्यादा है, तो उसको जो है खत्म करने के लिए फूड सिक्योरिटी हो, अच्छा शब्द आया है खाद्य सुरक्षा, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या खाद्य सुरक्षा, क्या खाद्य सुरक्षा, ये मेंस में बहुत प्रश्न यहां से आता है आपके पीसीएस में और आल्सो यूपीएससी में। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, क्या क्या उपाय इसके लिए, क्या यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है, यूपी पीसीएस। खाद्य सुरक्षा आप लोग रेडी कर लीजिएगा, टास्क वाली कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी आपको खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, पेपर थर्ड, क्या है पेपर थर्ड, ठीक है, ये यहां पर आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसमें सरकारें काम कर रही हैं अलग अलग, और वैश्विक पटल पर किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो FAO क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीजों के लिए काम कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि, वानिकी, मछली पालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बहुआयामी सुधार करना है, यह बेसिकली क्या है FAO का क्या है मोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर लिथियम भंडार की खोज की गई। लिथियम देखो बहुत जो है आप लोगों ने सुना होगा, कई बार मैगजीन्स में इसके बारे में निकलता रहता है। तो हाल ही में भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि लिथियम की एक बहुत व्यापक स्तर पर जो है इसकी खोज की गई है। कहां पर की गई है आपको बताना है, कर्नाटक में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या मेघालय में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कर्नाटक में जो है इसकी खोज की गई है। और कर्नाटक में कौन सा प्लेस है आइए हम लोग उसको देखते हैं। बाकी लिथियम का प्रयोग कहां कहां पर होता है, खासकर लिथियम का प्रयोग दरअसल बैटरीज में होता है, यानी कि बैटरियों में किया जाता है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिएगा। और कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक के, अब नाम याद रखना, पहला कहां पर कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम भंडार की खोज की गई है, ये याद रखना है आपको हर हाल में
पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी पुष्टि, पुष्टि किसने की है, पुष्टि की है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किया है। यहां पर करीब 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है, अपने आप में एक बड़ा भंडार है ये, और इससे जो है भारत की निर्भरता जो अलग अलग देशों पर थी, यहां से ये आयात किया जाता था लिथियम, अब वहां पर भारत की निर्भरता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लिथियम खोज की महत्व देख लेते हैं, महत्व क्या होगा, लिथियम जो है क्या होगा, आयात में कमी आएगी, सिंपल सी बात है, हम पहले दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब चूंकि हमारे यहां पर लिथियम आ गया है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारी निर्भरता अन्य देशों पर क्या होगी, कम होगी। और बेसिकली हम लोग चीन और हांगकांग से लिथियम मंगाते थे, तो चीन पर और हांगकांग पर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका व्यापक असर पड़ेगा। दूसरा, ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे उद्योग में क्या होता है, लिथियम का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या है लिथियम, तो बेसिकली यस इसे सफेद सोना कहा जाता है, आपसे पूछिए आप, अगर इसे हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सोना की महत्ता है उसी प्रकार से इसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो इसे क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि चांदी या कुछ और, तीन ऑप्शन कुछ और प्लस एक लिथियम, तो आपको तुरंत उत्तर देना है लिथियम। इसका घनत्व सबसे कम है, यानी कि जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं में लिथियम का जो घनत्व है क्या होता है, सबसे कम होता है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में होता है, हमने आपको जस्ट बताया ही बताया। इसके अलावा इसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित किया जाता है, और फिर इसका क्या जाता है, इसका प्रयोग विमान के पार्ट्स बनाने और साइकिल का जो फ्रेम वगैरह होता है उसमें भी जो है दरअसल इसका प्रयोग किया जाता है, और कई अन्य जगहों पर भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस अभी चर्चाओं में रहा है, आप लोगों ने पता हो, आप लोगों को पता होगा, आपको बताना है दरअसल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 21 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई। आई थिंक आपको इसका आंसर क्या होगा, पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। और कारगिल युद्ध जब हुआ था, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं, उसमें आप लोग का बर्थ हो सकता है ना रहा हो, जो 90s के बाद हुए हैं, ठीक है। मुझे याद है कि वर्ष 1999 में किस क्लास में था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में मैं उस समय रहा होऊंगा, मुझे याद है, हाँ शायद मैं फोर्थ क्लास में था, आई थिंक सेकेंड, हाँ थर्ड या फोर्थ क्लास में था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। उस समय जो है एक भारत में जो है अपने आप में बहुत जो है एक तरीके से जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी भारत को, यानी कि जब 1942-43 का समय रहा होगा, 46-47 का समय रहा होगा, कुछ उसी प्रकार से देशभक्ति जो है उमड़ी थी कारगिल युद्ध के समय, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों ने जो है हमला कर दिया था और एक व्यापक जो है स्तर पर जो है हानि भी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान को इससे बहुत व्यापक स्तर पर हानि हुई थी, बहुत सारे उनके सैनिक मारे गए थे। हमारे यहाँ पर लगभग शायद डेटा 500 या 400 कुछ का है, इतने सैनिक हमारे मारे गए थे, बाकी पाकिस्तान को एक व्यापक स्तर पर हानि हुई थी। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ था, नुकसान हुआ था जो है वहाँ को, यहाँ के लोगों को इसके इससे, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट कारगिल युद्ध के बाद क्या हुआ था कि हमारे अंदर जो कमियां थी, यानी कि हमारे देश में सुरक्षा को लेकर के जो कमियां थी वो सामने आई, उन कमियों को दूर किया गया। इसके साथ ही साथ में जो हमारा रक्षा बजट है उसको भी बढ़ाया गया, उस समय रक्षा बजट इतना नहीं था, रक्षा बजट को भी बढ़ाया गया, सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी गई, और बहुत सारे पॉइंट्स थे जो जो है हमें फायदा हुआ, यानी कि भारत देश को कारगिल युद्ध से, कारगिल युद्ध से भारत ने बहुत कुछ सीखा और उसका बेनिफिट मिला। उसके बाद भारत ने इस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है मेहनत किया, और सफलता हमें आज के समय में देखने को मिलती भी है निश्चित तौर पर। तो आइए देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स हम लोग। तो कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह दिवस वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष की याद में मनाया जाता है, वर्ष 1999 में, ठीक है, याद रखिएगा। यह युद्ध 8 मई 1999 से, कुछ कुछ लोग 3 मई से भी कहते हैं इसको, बट 8 कर लीजिएगा। यह युद्ध 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चला, तकरीबन जो है कितना, एक महीने। इसके अलावा इस पूरे युद्ध अभियान को ऑपरेशन विजय, यह पॉइंट याद रखिएगा, कारगिल जो आपका युद्ध हुआ था, इस पूरे अभियान को जो है ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, यह पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए
नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत का 5वां ठीक है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, रायपुर में, आइजोल में, लखनऊ में या बरेली में, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी अर्थात आइजोल में। ठीक, आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में मिजोरम के आइजोल में भारत का 5वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन डेट याद रखिएगा, पहली बात तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने ही जो है दरअसल इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में मोइदम्स, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या हाल ही में मोइदम्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, इसका संबंध है किस राज्य से है? ओवरऑल असम से, त्रिपुरा से, उत्तर प्रदेश से या डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात असम। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि में असम से मोइदम्स, क्या मोइदम्स, जिसको अहम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली है ये अपने आप में, ठीक है, टीले नुमा संरचना में दफनाने की ये क्या है अपने आप में, क्या है एक व्यवस्था है, को आधिकारिक तौर पर क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह घोषणा कब की गई, 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के पहले के विश्व धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में की गई। आपको पता है इस समय जो है 46वीं जो है बैठक यानी कि सत्र चल रहा है, उसी में दरअसल इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है, और यह भारत की 43वीं संपत्ति बन गई है अब, यानी कि अब 33 जो है स्थल इसमें क्या किए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा दो पॉइंट्स और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य के बाद यह असम की तीसरी विश्व धरोहर समिति संपत्ति है। अब आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि असम में कितने विश्व धरोहर जो है स्थल शामिल किए गए हैं, तो 3 है। ठीक है, पहला क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य है, और फिर अब जो है ये हो गया है आपका, ठीक है, यानी कि मोइदम्स हो गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत जो है अंकित किया गया था। तो अब ये फैक्ट भी आपको दरअसल याद रख लेना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब एक चीज और, अब मोइदम्स अभी चर्चाओं में है, तो हो सकता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछ ले इन शॉर्ट में, यानी कि टिप्पणी के फॉर्म में, और ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट में जाएगा टॉपिक, यानी कि पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो अब यहां पर हमने मोइदम्स के बारे में डिटेल्स में बातें लिख दी हैं, आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ यहां पे नहीं रहा हूं, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी को ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको डेली पीडीएफ रात में 9 बजे मिल जाया करेगी। तो पीडीएफ में ये आपको डिटेल्स में जानकारी वहां पर जो है रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमने इसको डिटेल्स में आपके लिए जो है यहां पर दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन स्ट्रोवो कहां पर दरअसल चलाई गई है, या उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने, ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या फिर डी जापान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात वी, यानी कि चाइना इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग पॉइंट्स कि हाल ही में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन स्ट्रोवो चीन में चलाई गई है, और इसका अनावरण कहां पर किया गया है, चीन के किंगदाओ शहर में किया गया है, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और क्या होगा, इससे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, किस वर्ष में, वर्ष 1906, 1908, 1909 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1906। अभी चर्चाओं में थे, क्यों थे, क्योंकि 23 जुलाई को दरअसल इनका जन्म दिवस होता है, इसलिए। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, जबकि जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 27 फरवरी 1931 को हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड में भाग लिया था, काकोरी कांड
एग्जाम के लिए आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए वर्ष 1928 में उन्होंने लाहौर में सैंडर्स पर गोली चलाई थी और फिर वो क्या हुए थे, एक्सपायर हो गए थे, ठीक। इसके अलावा उनकी सलाह पर वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात जिसको क्या बोलते हैं HRA बोलते हैं, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया था। यह प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है प्रीलिम्स में, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए सिंपल सा प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर देंगे और प्लीज आप लोग लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं यानी कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसल होते हैं या फिर शाकीय होते हैं, प्रणवृत्तीय होते हैं या फिर प्रणवृत्तीय होते हैं, ये आपको बताना है। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और आप लोग इसका उत्तर क्या देंगे, जरूर देंगे। ये हो गया आपका प्री का जो है प्रश्न। अब हम आते हैं मेंस के आंसर राइटिंग पे, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्या लिखना है, जैव आवर्धन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज जो है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल मैं इसको बायो मैग्निफिकेशन को आपको समझा दूंगा कि दरअसल बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिलेंगे कल हम लोग एक नए सीरीज के साथ। बाकी जो हमने बातें आपको स्टार्टिंग बताई कि कुछ समय के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, आपके लिए जरूरी भी है और समय की मांग भी यही है कि आप अपने आप को जल्दी जल्दी सफल कर लें, क्योंकि इतनी सारी पोस्टें RO पीसीएस में अब नहीं आएंगी दोबारा, कब RO आएगा कुछ भी नहीं पता और पीसीएस में अगली बार कितनी पोस्टें आएंगी किसी को कुछ नहीं पता है। सो मौका आपके पास है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको जो है गंवा देते हो या फिर इसे इसकी नजाकत को समझते हुए अपने को सफलता में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। फिर बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, सिलेक्शन होगा, शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।